नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दयामन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले तो सभी अभ्यर्थियों को, सभी भाइयों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपका कल्याण करें, भगवान शिव आपको नौकरी दे, आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन हमारा, विभीषण का मंदिर अवस्थित है, विभीषण का मंदिर कहां पर स्थित है? तो दोस्तों विभीषण का जो मंदिर है वो केथुन कोटा में स्थित है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, केथुन कोटा में विभीषण का मंदिर है, ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है, ठीक है, केथुन कोटा में भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है, एकमात्र भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है? केथुन कोटा में स्थित है। ठीक है, अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का, राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, यानी कि राजस्थान के राज्यपाल का जो पद था वो रिक्त था और किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, स्वरूप सिंह को। किसको? ऑप्शन डी, स्वरूप सिंह जो थे उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। तो दोस्तों जो स्वरूप सिंह थे वो गुजरात के राज्यपाल थे। कब? कहाँ के? गुजरात के राज्यपाल थे, गुजरात के राज्यपाल थे उस समय, और ये बात है 1991 बानवे की। कब की? 1991 बानवे में गुजरात के राज्यपाल डॉक्टर स्वरूप सिंह थे, उनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अगला है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। एक है, आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन में स्वतः ही जांच प्रारंभ कर सकता है। बी, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दोनों जो कथन है ए और बी का, जो दोनों कथन है वो दोनों कथन हमारे सही है, राइट है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था, 18 जनवरी 1999 को किया गया था, 1999 को इसका गठन किया गया था, और कार्यशील 23 मार्च 2000 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। 23 मार्च 2000 से कार्य करना शुरू कर दिया था दोस्तों। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान में अध्यक्ष है, गोपाल कृष्ण व्यास जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला दोस्तों, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथा विद्यमान है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, 34 34। अगला क्वेश्चन है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? महान सीमा भ्रंश दोस्तों राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिणी पूर्वी भाग में, ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी भाग में महान सीमा भ्रंश जो है वो स्थित है। और दोस्तों महान सीमा भ्रंश जो है वो अरावली और विंध्यन पर्वतमाला का मिलन स्थल है। महान सीमा भ्रंश क्या है? अरावली पर्वतमाला और विंध्य जो पर्वतमाला है उसका मिलन स्थल है, और ये बूंदी और सवाई माधोपुर की जो पहाड़ियां हैं उनके सारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति का स्थान सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए है सोम बिछामेड़ा, जाखम छोटी सादड़ी, बाणगंगा जो है ये सही सुमेलित नहीं है, रूपारेल उदयनाथ पहाड़िया। तो दोस्तों बाणगंगा नदी का जो उद्गम होता है वो बैराट की पहाड़ियों से होता है, बाणगंगा जो नदी है उसका उद्गम बैराट की जो पहाड़ियां हैं जयपुर में, यहां से इसका उद्गम होता है, सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम नहीं होता है, बैराट से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था, राजस्थान में
मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, 13 मार्च 2020 में राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? राजस्थान में कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी परन, ऑप्शन डी का जो है वो पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है, बाकी के जो तीन है टीकी, कालाकुमार और गोगुंदा पन्ना खनन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया दोस्तों बीकानेर के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? बीकानेर के रहने वाले थे, ठीक है, और इनको फांसी दे दी गई थी, ग्वालियर में इनको फांसी दी गई थी। अगला है, जेतर सिंह शासक था। तो दोस्तों आरएसएम एसएसबी ने ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट कर रखा है, ठीक है। अब ये डिलीट क्यों कर रखा है? तो दोस्तों इसमें क्या है, जेतर सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक भी थे और जेतर सिंह चौहान रणथंभौर के शासक भी थे, ठीक है। तो इन्होंने पूरा क्वेश्चन जो है दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को इसने आरएसएम एसएसबी ने इसको क्वेश्चन को डिलीट कर रखा है, ठीक है। तो जेतर सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक भी थे और रणथंभौर के शासक भी थे। अगला है, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है, अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, 1, 2, 3, यानी कि तीनों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। किस किस के लिए? अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, संत बखनाजी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, दादूपंथ से संबंधित। दादूपंथ की प्रधान पीठ जो है वो नारायणा में है। कहां पर है? नारायणा में प्रधान पीठ है दादूपंथ की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां पर स्थित है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहां स्थित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, उदयपुर में है और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। 9 अक्टूबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। 9 अक्टूबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? उद्गम कहां से होता है इंदिरा गांधी नहर का? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा हरी के बैराज या हरी के बांध से इसका उद्गम होता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही हो जाएगा, हरी के बांध, हरी के बैराज, जो कि व्यास और सतलज नदियों के संगम पर है, जो कि व्यास व सतलज नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म मंगलूणा गांव में हुआ था 1883 को। मंगलूणा गांव में 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीतराज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 5 रत्न कोशों में संगीतराज जो है वो विभक्त है। और संगीतराज की इसमें मुख्य है पाठ्य रत्न कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश, ठीक है। 5 रतन कोशों में इसको बांटा गया है, विभाजित किया गया है, विभक्त है। अगला है, लोदरवा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों लोदरवा जो है इसमें हमारा आंसर आ जाएगा, लोदरवा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और लोदरवा कहां पर है? जैसलमेर में स्थित है। लोदरवा जो जैन मंदिर है वो जैसलमेर में है और भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है, ठीक है। लोदरवा का जो जैन मंदिर है वो भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। अगला, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, अविका नगर टोंक में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, अनुच्छेद
169 के तहत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, 6 किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन कौन से, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरौड़ और कुंभलगढ़, ये 6 किले हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला सुने, अल्लाह जिला भाई की पहचान किस क्षेत्र से रही है। अल्लाह जिला भाई की पहचान किस क्षेत्र से रही है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, मांड गाय से इनका संबंध रहा है और ये मांड गाय का थी। और दोस्तों 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था और 2012 में मरणोपरांत इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अगला है, शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, मिर्जा राजा जय सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए का, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सही सुमेलित नहीं है। सुंदा माता जालौर सिरोही में है, गोगिला नागौर में है, रोटू नागौर में। रोटू जो है वो दोस्तों राजस्थान में 20 संरक्षित क्षेत्र है, वर्तमान में राजस्थान में 20 संरक्षित क्षेत्र है जिसमें जो रोटू है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है या क्वेश्चन आता है, कई बार भी एग्जाम में आ चुका है रोटू के बारे में। तो रोटू कहां पर है, नागौर में, और सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, गुडा विश्नोई, तो गुडा विश्नोई दोस्तों कहां पर है, जोधपुर में, गुडा विश्नोई है जो कि जोधपुर में है, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। दोस्तों इस अरावली की चोटियों का एक क्वेश्चन पक्का निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर 1722 मीटर है, शेर 1597 है, जरगा 1431 है और अचलगढ़ 1380 मीटर की इनकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, दामड़ा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं। दामड़ा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, अंगुली में। दामड़ा कहां पहना जाता है, अंगुली में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है किसने तैयार किया था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा मोतीलाल तेजावत ने। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग पत्र जो तैयार किया था मेवाड़ की पुकार। अगला क्वेश्चन है, चांद तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उषना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, अजमेर से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी करती रचना मणि मधुकर की नहीं है, कौन सी रचना मणि मधुकर की नहीं है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, जामारो जो है वो मणि मधुकर की रचना नहीं है, जबकि किसकी है, जामारो है वो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। ठीक है, जामारो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। अगला है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, जगमाल सिंह। किसने, जगमाल सिंह को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। अगला है, मिलान करना हस्तशिल्प और स्थान, दाबू प्रिंट जो है वो अकोला चित्तौड़गढ़ में है, अजरक प्रिंट बारमेड़ में, उस्ता कला बीकानेर में, जटपट्टी दोस्तों, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, जटपट्टी नागौर में नहीं है बल्कि कहां पर है, जसोल बाड़मेर में है, जटपट्टी कहां पर है, बाड़मेर में है। अगला सुना है, तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है और कौन सी नदी के किनारे स्थित है, माही नदी पर स्थित है। कहां पर है, माही नदी पर स्थित है। अगला सुना है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर बोस द्वारा रचित नहीं है, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, धर्म संग्रह जो पुस्तक है वो मिहिर बोस के द्वारा नहीं रची गई है। माणिकलाल वर्मा किस प्रजा मंडल के संस्थापकों में से एक थे, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, मेवाड़। माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में स्थित है और ये रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगला, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की थी? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी का, मातर कुंडिया से। कहां से? मातर कुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी। अगला है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा बांसवाड़ा उदयपुर में। ठीक है, बांसवाड़ा उदयपुर में। अगला है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी का, योद्धे जनपद। अगला है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी का, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। अगला, जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहां पर है? तो दोस्तों जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी बी गतरियासर बीकानेर में स्थित है, और जसनाथी जो संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो जसनाथी थे, 36 नियमों को ये लोग मानते हैं और अग्नि नृत्य इनका प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों आज का पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।